और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद, जी हाँ, तो सही सुना आपने, बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आप चाहे दसवीं के छात्र छात्राएं हो या फिर बारहवीं के, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी छात्र छात्राएं बहुत ही ध्यान से सुन ले, ठीक है। मोदी सरकार ने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बड़े फैसले का ऐलान किया, ठीक है। दो नए नियम लागू किए हैं बच्चों की कॉपी चेकिंग और रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो कौन से है वो नियम, सब कुछ बताएंगे। टाइम बहुत ही कम बचा है बच्चों के पास, अब टाइम बहुत ही कम बचा है क्योंकि ज्यादातर बोर्ड के जो एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। टोटल आपके 50 लाख छात्र छात्राओं ने बोर्ड एग्जाम के आवेदन किए थे, जिसमें से कम से कम 30 लाख बच्चों ने पेपर दिए। 30 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं और उनके जो पेपर है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इनके पेपर खत्म हो चुके हैं तो अब बारी आती है बोर्ड की कॉपी चेकिंग की। जैसे ही कॉपी चेकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, इसके बाद रिजल्ट के डेट की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। UPMSP के माध्यम से आप अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो जो नए नियम लगाए गए हैं उनके बारे में हम बात कर लें, तो जिन भी बच्चों ने अपनी कॉपी बहुत ही साफ सुथरा ढंग से, बेहतर ढंग से लिखी है, ठीक है, जिन भी बच्चों ने अपनी कॉपी बहुत ही अच्छे से लिखा है, हर क्वेश्चन को उससे रिलेटेड लिखा है, उनको नंबर फुल में फुल मिलेंगे, ठीक है। जिन्होंने कॉपी पूरी भरी है, ठीक है, और जिन भी बच्चों ने कॉपी में क्वेश्चन किए ही नहीं, तो उनको किस बेस पे नंबर दिए जाएंगे, तो ऐसे बच्चों के नंबर काट दिए जाएंगे। अगर राइटिंग भी बहुत ही ज्यादा गंदी है, काट पीट बहुत ज्यादा किया है, तो उनके नंबर तो कटने ही हैं, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने बहुत ही साफ सुथरा रिलेटेड लिखा है, उनको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि टॉपर बनाया जाएगा। ऐसी बहुत बड़ी घोषणा निकल के सामने आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, ठीक है। और हमारे जो बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट UPMSP के माध्यम से इसकी बहुत ही बड़ी घोषणा की है, ठीक है, बहुत ही बड़ी घोषणा की है। इस बार किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, किसी भी बच्चे को फेल तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप टॉप कर पाएंगे, ठीक है। जिन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, जैसे प्रश्न देने का एक उत्तर देने का एक ढंग होता है, वैसे अगर कॉपी लिखी है तो आपको नंबर दिए जाएंगे, फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, फेल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर आपने सारे प्रश्न किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फेल करने की कोई भी घोषणा उन्होंने नहीं की है। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।